दोस्तों, इस वीडियो में हम इंग्लिश के सबसे फेमस पोएट विलियम शेक्सपियर को एज अ सोनेटियर पढ़ेंगे। दोस्तों, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में एज अ सोनेटियर पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन के मोस्टली बीए फर्स्ट ईयर के अंदर आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा दूसरे एग्जाम में भी आता है। इस क्वेश्चन को कई तरीकों से पूछा जा सकता है, जैसे राइट अ नोट ऑन शेक्सपियर एज अ सोनेटियर। शेक्सपियर पर सोनेटियर के रूप में एक नोट लिखें, या डिस्कस शेक्सपियर एज अ राइटर ऑफ सोनेट। शेक्सपियर पर सोनेट के लेखक के रूप में चर्चा करें। इंट्रोडक्शन। अ सोनेट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट 14 पंक्तियों की एक छोटी कविता होती है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोनेट। सोनेट दो प्रकार के होते हैं, इटालियन एंड इंग्लिश। इटालियन और इंग्लिश। द इटालियन वन इज ऑल्सो कॉल्ड पेट्रार्कन सोनेट। इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है। इट इज मेड ऑफ टू पार्ट्स। ये दो भाग से बना होता है। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ऑक्टेव। पहला भाग ऑक्टेव कहलाता है। इट इज मेड अप द फर्स्ट 8 लाइन्स। ये ऊपर की पहली 8 पंक्तियों से बना होता है। द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड सेस्टेट। दूसरा भाग सेस्टेट कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द लास्ट 6 लाइन्स। कंसिस्ट मीन बना होना। ये आखिर की 6 पंक्तियों से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्टन्स सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज एन इटालियन सोनेट। उदाहरण के तौर पर मिल्टन का सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक इटालियन सोनेट है। द इंग्लिश सोनेट कंसिस्ट्स ऑफ 3 क्वाट्रेंस एंड 1 कंक्लूडिंग राइम्ड कपलेट। क्वाट्रेंस, क्वाट्रेंस मीन चौपाही। कंक्लूडिंग, कंक्लूडिंग मीन समापन। राइम्ड, राइम्ड मीन तुकांत, यानी तुकांत वाला। कपलेट, कपलेट मीन दोहा। इंग्लिश सोनेट एक समापन तुकांत वाले दोहे और 3 चौपाई से बना होता है। इन बोथ काइंड्स ऑफ सोनेट द मीटर इज आइम्बिक पेंटामीटर। मीटर, मीटर मीन छंद। दोनों सोनेट में छंद का प्रकार आइम्बिक पेंटामीटर होता है। शेक्सपियर एज अ सोनेटियर। सम इंग्लिश पोएट्स रोट सोनेट्स इन 16th सेंचुरी। कुछ इंग्लिश कवियों ने 16वीं शताब्दी में सोनेट लिखे। विलियम शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट सोनेटियर ऑफ देम। विलियम शेक्सपियर उन सोनेटियर में सबसे महान थे। ही रोट 154 सोनेट्स इन ऑल। उन्होंने सब 154 सोनेट लिखे। ही अडॉप्टेड द सोनेट बट मेड सम चेंज इन इट्स फॉर्म। उन्होंने सोनेटों को अपनाया मगर उसकी फॉर्म में कुछ चेंज कर दिया। शेक्सपियर डिवाइडेड इनटू 3 क्वाट्रेंस एंड 1 राइम्ड कपलेट। क्वाट्रेंस मीन चौपाही। शेक्सपियर ने एक तुकांत दोहा और 3 चौपाई में बांट दिया। सो इट केम टू बी कॉल्ड शेक्सपियर सोनेट। इसलिए इसे शेक्सपियर सोनेट कहा जाने लगा। द मेन क्वालिटी ऑफ हिज सोनेट्स। अ शेक्सपियरियन सोनेट कंसिस्ट्स ऑफ 14 लाइन्स।
which are broken into three quatrains and a final couplet. Shakespearean sonnet 14 पंक्तियों से बना होता है जो तीन चौपाई और एक फाइनल दोहे में बटा होता है. शेक्सपियर इज अ ग्रेट मास्टर ऑफ वर्सिफिकेशन. वर्सिफिकेशन का मतलब होता है छंदो व्यवस्था या शायरगोई या शायरी. शेक्सपियर शायरी का एक महान गुरु है. ही फिल्स हिज वर्ड्स विद अ वैरायटी ऑफ स्वीट राइम. वर्ड्स, वर्ड्स मीन कविता. वे अपनी कविता को कई प्रकार के मधुर तुकबंदी से भर देता है. समटाइम ही यूजेस एलिट्रेशन विच चार्म्स द एयर्स. एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मीन अनुप्रास या तुकबंदी. कभी कभी वे अनुप्रास का इस्तेमाल करता है जो कानों को आकर्षित करते हैं. हिज इमेजेस आर स्वीट एंड स्ट्राइकिंग. स्ट्राइकिंग मीन अद्भुत. उसकी छवियां मधुर और अद्भुत हैं. द फर्स्ट लाइन ऑफ हिज क्वाट्रेन राइम्स विद द थर्ड एंड सेकेंड लाइन विद द फोर्थ. उसकी चौपाई की पहली लाइन तीसरी से राइम करती है और दूसरी चौथी के साथ. हिज सोनेट रिप्रेजेंट अ सिंगल कम्पैक्ट थॉट. कम्पैक्ट मीन ठोस. उसका सोनेट एक सिंगल ठोस विचार दर्शाता है. इट इज ब्रॉट टू एन इन अ राइम्ड कपलेट एट द एंड. इसे अंत में एक तुकबंद दोहे में लाया जाता है. Great ideas. Shakespeare's sonnets are full of great ideas. Shakespeare के सोनेट महान विचारों से भरे होते हैं. Shakespeare believes in divine power of love. Divine, divine mean पवित्र. Shakespeare प्यार की पवित्र शक्ति में भरोसा करता है. According to him, true love is a divine quality not to be affected by worldly impediments. Impediments mean वादा हैं. उसके अनुसार सच्चा प्यार एक पवित्र गुण है जो दुनियावी वादाओं द्वारा प्रभावित नहीं होता. If love is true, there may never be any impediment in the union of lovers, for their love is blessed by him. अगर प्यार सच्चा है तो प्रेमियों के मिलन में कोई भी बाधा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके प्यार के ऊपर उसकी रहमत होती है, यानी उनके प्यार के ऊपर उसका आशीर्वाद होता है. हिम, हिम से मतलब यह गॉड के यानी खुदा के हैं. इफ अ लवर कंप्लेन ऑफ इम्पेडिमेंट्स. अगर प्रेमी वादाओं की शिकायत करता है, ईदर हिज लव इज नॉट ट्रू और ही हैज नॉट फर्म फेथ इन इट्स डिवाइन पावर. या तो उसका प्यार सच्चा नहीं है या उसे उसकी पवित्र शक्ति पर मजबूत भरोसा नहीं है. ट्रू लवर्स हैव ऑलवेज फेस्ड वर्ल्डली इम्पेडिमेंट्स विद ग्रेट कवरेज एंड पेशेंस. सच्चे प्रेमियों ने हमेशा दुनियावी वादाओं का बहुत ही साहस और सम्मान के साथ मुकाबला किया है. इफ अ लवर फियर्स अ वर्ल्डली इनेमी और चेंज. अगर प्रेमी दुनियावी बदलाव और दुश्मनों से डरता है, इट इज श्योर हिज और हर लव इज नॉट ट्रू. तो ये सच है, यानी ये तो ये हकीकत है कि उसका प्यार सच्चा नहीं है. हाई इमेजिनेशन, ये इस क्वेश्चन की लास्ट हेडिंग है. शेक्सपियर्स हाई इमेजिनेशन इज एक्सपोज्ड इन हिज सोनेट्स. एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड मीन उजागर. शेक्सपियर की उच्च कल्पना इस सोनेट में उजागर होती है.
He imagines that true love has divine power. वे कल्पना करता है कि सच्चे प्यार के पास एक पवित्र शक्ति होती है. Therefore, it should not be afraid of worldly dangers. Therefore mean इसलिए, afraid mean डर. इसलिए उसे दुनियावी खतरों से नहीं डरना चाहिए. He imagines true love is fixed like the mark of danger on the bridge of a deep river. वे कल्पना करता है कि सच्चा प्यार एक गहरी नदी के पुल पर खतरे के निशान की तरह स्थापित होता है. When a storm comes, storm mean तूफान. जब तूफान आता है, all look at the red mark and fear with the rising water that towns will be flooded with water. सब लाल निशान को देखते हैं और बढ़ते हुए पानी के साथ डरते हैं कि नगर पानी से डूब जाएंगे. People fear and their hearts are shaken. Shaken mean हिलना. लोग डर जाते हैं और उनके दिल हिल जाते हैं. But the mark remains unshaken. मगर निशान बिना हिले बना रहता है. In the same way, seeing lovers in danger, people fear. But the two lovers remain fearless, for their hearts are filled with divine courage and patience. इसी तरह प्रेमियों को खतरे में देखकर लोग डर जाते हैं, मगर सच्चे प्रेमी बिना डर बने रहते हैं, क्योंकि उनके दिल पवित्र साहस और सब्र से भरे होते हैं. True love guides and bring back on the right path all those who go astray. Astray mean भटकना या गुमराह. सच्चा प्यार मार्गदर्शन करता है और उन्हें सही रास्ते पर वापस लाता है जो भटक जाते हैं. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.